हाय एवरीवन, वेलकम बैक नू। तो ये संडे का ही ब्लॉग है। हम लोग यूं ही बस गए थे बाहर होली के पहले, तो मॉल था तो वहीं पे टॉय ट्रेन और कार ये सब था। मीन्स तो बाबू का बहुत मन हुआ कि इस पे बैठे, वो रोने लगा तो हम लोग इसको बैठा दिए जितना भी उसका होता है, और फिर इन्जॉय किया, उसको अच्छा लगा, खुश हो गया, रोने लग गया था देखकर। तो बस अभी हो गया और एक फ़ोटो ले लेते हैं। हाय बोलो बेटा। हाय। और मैं लगाई हुई हूँ मेहंदी और टाइम हो रहा है 12:45। मैं अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और चलिए एक काम करते हैं, तो आप लोग भी देखिए मैं किस तरीके से अलमीरा, एक्चुअली एक है उसको अरेंज करना है। एक अलमीरा है उसमें ना फंगस लग गया था ठंड के कारण, उसके जो वुडन का अलमीरा है तो उसको मैं अभी सेट करूँगी। तो यहाँ पे है ना, इसको मैं भी क्लीन करती हूँ और इसको भी क्लीन कर दूंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग इस अलमीरे का। आज मैं सफाई करूँगी, आपको बैक कैमरा से। और यहाँ पे अलमीरा जो है सिपेस के कारण ना, ये वुडन का जो अलमीरा है इसमें फंगस सा ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गया। इतना आसानी से तो ये नहीं जाएगा, बट इसको स्मेल करता है। तो अब गर्मी भी आ गया है तो मैं सोची इसको क्लीन कर देती हूँ। तो आज डे है सैटरडे, 19th of March है। तो बस इसके सारे जो भी सामान रखा हुआ था सबको मैं इकट्ठा हटा दूँगी। और ये जो बर्तन है, कुछ नया बर्तन है और कुछ मैं पूजा में यूज करती हूँ, तो ये सारे के जो हैंडल है ना सभी में वाइट वाइट सा फंगस के कारण ना ख़राब हो गया था। तो पहले मैं इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए विनेगर ली हूँ और विम लिक्विड जो होता है और पानी मिक्स करके अच्छे से हल्का हल्का बस लगा दूँगी और बस इसको छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे किसी कपड़े से। तो इसको लगाकर छोड़ देते हैं और तब तक मैं जो भी सेल्फ़ पे डस्ट है या जाले लगे हैं, वैसे उतना गंदा तो नहीं है, फिर भी जो भी हल्का फल्का डस्ट है उसको मैं झाड़ू से हटा लेती हूँ। और सीपेज के कारण जो सीमेंट या जो पेंट है वो गिरा हुआ है उसको मैं इकट्ठा करके पैन में निकाल लेती हूँ। और बाबू भी काफ़ी मीन्स वो सोया ही नहीं है, वो एक्टिव है, सब कुछ मैं करने लगती हूँ तो वो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है और मेरे साथ साथ वो भी लगा हुआ रहता है, हेल्प कराता है। और बस सफाई करने के बाद इसको अच्छे से मैं वो जो थैली आती है मार्केट में, जो थैली मिलती है ना वो जूट जैसी, उसी से मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा रफ़ होता है, तो अच्छे से इससे हो जाएगा। और इतना अच्छा से तो साफ़ नहीं होता है, इसका स्पॉट रह जाता है, बट फिर भी काफ़ी इसमें से गंदगी जो है निकल जाता है और क्लीन दिखता है। और इसके बाद मैं कपड़े को अच्छे से धुलकर उसको पोंछ लूँगी, पूरे कबर्ड का जो गेट है पल्ला है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
तो बस इसी तरीके से हम सफाई कर लेंगे सारे को, और दोनों अलमीरा के जो गेट है उसको अच्छे से हम पोंछ लिए हैं कपड़े से, कपड़े को गीला करके साफ़ पानी से, और कुछ हद तक साफ हो गया है। और इसके कारण काफ़ी स्मेल हो रहा था, तो अब समर का मौसम सीज़न आ गया, समर सीज़न, तो अब उतना गर्मी के कारण ही ड्राई ड्राई सा ही रहेगा, सीपेज होता है एक्चुअली। इसके आगे पीछे है जो बाथरूम का एरिया है इसी कारण, और सेल्फ को भी मैं अच्छे से पानी से भिगा कर पोंछ लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा डस्ट हो डस्ट होगा वो कपड़े के साथ आ जाएगा, है ना। और मेहंदी लगाई हुई थी तो सोची कि साथ साथ ये भी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मेहंदी लगाकर ना रेस्ट कर सकते हैं मतलब कि, तो चलो कोई काम कर लेंगे तो टाइम भी पास हो जाता है ऐसे में, और मेहंदी भी ड्राई हो जाएगा अच्छे से 4 से 5 घंटे के लिए। और इसके बाद जो भी उस पर मैट डाले हुए थे सेल्फ के ऊपर, उस सारे को मैं अच्छे से साफ़ पानी से पोंछ लूँगी, जो भी डस्ट है और जो भी सामान रखा हुआ था उसको भी मैं साफ़ पानी से पोंछ लूँगी, ताकि सारे का स्मेल जो भी है वो हट जाए। और बाबू जो है मेरे को लाकर दे रहा है, मैं बैठी हुई हूँ तो अच्छे से, और बस सभी को साफ़ करके फिर से मैं सभी को पहले फ़ैन में सूखने के लिए छोड़ दूँगी, अच्छा से वो ड्राई हो जाएगा इसका पानी सारा, तो फिर इसको मैं अलमीरा में अरेंज कर दूँगी। और इसके बाद जो भी बर्तन था सारा वो भी ख़राब हो गया था, तो उसको मैं बाथरूम में ही धुल लेती हूँ सारे बर्तन को। और यहाँ पे सर्फ का जो पैकेट है उसको भी मैं बास्केट में डाल दी हूँ, और जो भी सारा सामान है मैं बास्केट में ही रखती हूँ, और जो भी डोरमैट्स है ये सबको मैं अच्छे से झाड़ कर, इसको जो भी गंदा तो वैसे उतना नहीं था गंदगी, फिर भी जो भी हल्का फल्का सा डस्ट चला जाता है ना, अच्छे से उसको हटा कर रख दिए हैं। और यहाँ पे सारा सफाई हो गया है, जो भी सामान था, ज़्यादा सामान तो कुछ है नहीं, और ये जो बर्तन है इसको मैं धुल लेती हूँ बाथरूम में ले जाकर, और बस इसके बाद मैं नहा लूँगी। ये सब करते करते लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, है ना। फिर सारे बर्तन मैं यहाँ पे देखिए धुल लिए हैं, और इसके बाद जो भी रनर था उस पर डला हुआ मैट उसको मैं अरेंज कर दूँगी, इसके बाद हम नहा लेते हैं। और अभी सारे सामान को लगा लेते हैं, और बाबू जो है मैं उसको बोली नहीं कि तुम दो, बट वो खुद से सारे सामान को उठाकर लाकर बेड पे रख दिया था। मैं 1-2 लाई, उसके बाद वो सारा सामान लाकर रख रहा था, तो जैसे वो देता गया मैं उसको लगा दी। और सारे बर्तन को मैं पोंछ लूँगी, और इसको बेड पे अच्छे से ही डालकर सुखा लेते हैं। और इसके बाद अब मैं सार ले ली हूँ, मेहंदी भी अच्छे से मेरा ड्राई हो गया था, लगभग 5 से 6 घंटा मैं इसको मॉर्निंग में ही लगाई थी, और अभी फिर सारा बर्तन सूख गया है अच्छे से बिल्कुल, तो मैं उसको लगा दूँगी। और ये सारा बर्तन मैं कुछ नया है और कुछ पूजा में यूज़ करते हैं, और बस यहाँ पे सारा अलमीरा सेट हो गया है। तो अब अच्छा लग रहा है, गेट अलमीरा का जो गेट है वो भी थोड़ा फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, मीन्स है ना, देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, कुछ उसका स्पॉट रह गया है, उतने अच्छे से तो क्लीन नहीं हुआ है, बट हाँ काफ़ी हद तक है साफ़ हो गया। और जो सेल्फ का दीवार है वो तो सीपेज के कारण गंदा ही दिखेगा। और बाबू यहाँ पे बैठकर खेल रहा था अपने ब्लॉक से, तो मैं उसको बोली चलो अब खाना खा लेते हैं।
है ना। तो आज सैटरडे है तो मैं खिचड़ी बनाई थी मॉर्निंग में ही, खिचड़ी चोखा। और तो बस खिचड़ी को मैं गर्म कर लूँगी और फिर हम और बाबू दोनों खा लेंगे। तो बस यही था आज का ब्लॉग, सैटरडे ब्लॉग। और जो वीडियो मैं स्टार्टिंग में दिखाई वो संडे का ही था, मीन्स 1 वीक बाद मैं इस ब्लॉग को वीडियो डाल रही हूँ। तो बस इस यही था आज का ब्लॉग। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।